हे व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप से रील वीडियो को एडिट करने वाले हैं जो कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड जब से ये सॉन्ग आया ना, काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, तो ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत सारे लोगों ने अपने अकॉर्डिंग वीडियो को एडिट किया है, तो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और तुम इसको कैसे एडिट करोगे वही मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। अगर सेम टू सेम एडिट करना है तो गाइस वीडियो को फुली वॉच कर देना, ताकि आप लोगों का जितना भी स्टेप है वो सारा क्लियर हो जाए और आप लोग एडिटिंग कर लोगे। और इस तरह की एडिटिंग करके अपने रील में अपलोड करोगे ना, तो आपकी भी वीडियो वायरल होगी। तो गाइज अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे स्टार्ट। डन गाइज, अभी आपको इंसर्ट एप्लीकेशन के अंदर आना है और आने के बाद आप लोग फोटो या फिर वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाके आप लोग जो भी फोटो रखना चाहते हो उसको ओपन कर लेना। तो सपोज गाइज मैं ये वाला फोटो रखा हूँ, उसके बाद ये जो ड्यूरेशन है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने PIP पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही PIP पे क्लिक करोगे गैलरी के अंदर आ जाओगे और एक पार्टिकल्स वाली PNG मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जस्ट आप लोग उसको ओपन कर लेना। ओके, तो ये पार्टिकल्स वाली PNG लेकर आ चुके हैं, इसको आप लोगों ने जस्ट फुली बैकग्राउंड पे इस तरीके से लगा देना है। और इसके बाद आप लोग जैसे टैप करोगे राइट साइड में आप लोगों को वीडियो एंड का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो एंड कर देना, ताकि आप लोगों का जितना वीडियो होगा ये इफेक्ट भी उतना ही लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा राइट जाना है, ब्लेंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस चीज़ को कर देना आप लोग स्क्रीन, ताकि आप लोगों का जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से शो होगा। और फिर कर देना है राइट पे क्लिक। इतना वर्क करने के बाद अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है, फिल्टर वाले सेक्शन के अंदर आ जाना। अभी आप लोगों को फिर से एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इसके ऊपर टैप कर देना। एंड थोड़ा सा इधर जाओगे तो फिल्म 2 नाम का इफेक्ट मिलेगा, ये वाला, ये चीज़ आपको अप्लाई कर देना है। और अभी आप लोगों को ये जो इंटेंसिटी दिख रहा है ना, ओपेसिटी, तो इसको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से माइनस कर देना है 77। और उसके बाद आप लोग फिल्म 1 भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ मैं यहाँ से फिल्म 2 को अप्लाई करूँगा और ये जो इंटेंसिटी है इसको हम लोग कम करेंगे 82 के आसपास। उसके बाद आप लोगों ने एडजस्ट टूल के अंदर आना है, कॉन्ट्रास्ट को जैसा आप लोग इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना, और यहाँ से वार्म टोन को थोड़ा सा माइनस, एंड थोड़ा सा टिंट को इंक्रीज़। ओके, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा विग्निटी को इंक्रीज़ कर देना है 5%। एंड थोड़ा राइट जाना, शार्पनिंग को मेंटेन करना 21 और ग्रेन इफेक्ट हल्का सा, और फिर कर देना राइट पे क्लिक। तो अभी आप लोग देख सकते हो आपका जो इफेक्ट है ना वो लग चुका है। उसके बाद अगेन आप लोगों को चले जाना है PIP के अंदर, गैलरी के अंदर आ जाना, और एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, तो जस्ट आपको उसको ओपन करना है। तो अभी हम लोग ये वीडियो लेकर आ चुके हैं, इसके अंदर ना हमारे जो लिरिक्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है एंड म्यूज़िक वगैरह सब कुछ ऐड हो रखा है। तो आप लोग इस तरीके से इसको ऐड कर देना। अगेन आप लोगों को ब्लेंडिंग पे जाना है और इस चीज़ को कर देना लाइटेंट या फिर स्क्रीन, तो आप लोगों का जो वीडियो है ना वो कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। ओके, एंड अगेन आप लोगों को कुछ इस तरीके से इसका जो ड्यूरेशन है उसको लंबा करना है, तो ये 27.6 सेकंड तक है। उसके बाद आप लोगों को इतना ही रखना है और एक्स्ट्रा वीडियो को कुछ इस तरीके से डिलीट कर देना है, लोगों को कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो आपका जो इफेक्ट है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से शो होगा, एंड जो लिरिक्स है वो भी सारा लिख के आ रहा है। ऐसे आप लोगों को करना है और फिर कर देना राइट पे क्लिक। तो हमारा लिरिक्स का भी काम हो चुका है, अब रह रहा है हमारा लास्ट वर्क, जिसके हम लोगों को थोड़ा सा ग्लिच वाला इफेक्ट अप्लाई कर देना है, जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा OP टाइप की लगेगी। तो आप लोगों को यहाँ से फिल्टर के ऊपर टैप कर देना है, इफेक्ट्स के ऑप्शन में आना, एंड सेकंड नंबर पर ग्लिच का एक ऑप्शन मिलेगा, ग्लिच के ऊपर टैप करोगे, लास्ट में आ जाना, ठीक है ना, JPEG इसके ऊपर टैप कर देना, और ये जो वैल्यू है ना इसको आप लोगों ने जस्ट कुछ इस तरीके से, एंड फिर राइट पे क्लिक। अगेन आप लोगों को क्या करना है, वीडियो एंड कर देना ताकि आप लोगों का लग जाए, उसके बाद आप लोग वीडियो बिगनिंग। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो हमारा वीडियो वो किस तरीके से बना है, और मैं म्यूज़िक आप लोगों को नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे जो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा OP टाइप की लग रही है, तो सेम आपको इसी तरीके से करना है। एंड थोड़ा सा मैं आप लोगों को म्यूज़िक सुना देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी हल्का सा फील आए। एंड इस तरीके से आप लोग रील वीडियो एडिट करके डालोगे ना, तो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो सॉन्ग है ना अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप लोगों की वीडियो वायरल होएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग एडिट करो, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता देना। और फिर अभी आप लोगों को इस तरीके से सेव कर लेना है। ओके गाइस, अगर इसके ऊपर अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं फुली डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि वर्ड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, लिरिक्स कैसे लगाना है, म्यूज़िक किस तरीके से लगाना है, स्काई वगैरह सब कुछ, गाइस टोटल कलर ग्रेडिंग एक्सेट्रा जितना भी चीज़ होता है ना एक वीडियो के अंदर, वो मैं पूरा डिटेल में लेकर आऊँगा। अगर आप लोग एग्री करते हो तो गाइस इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आई हो तो की सपोर्टिंग गाइस, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहूँगा।